सो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो, एक भाई ने मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज करा। जैसे कि आपको पता है, आपका भाई तुरंत ही रिप्लाई देता है, टाइम मिलते ही इंस्टाग्राम पे कोई भी मैसेज करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पे एक भाई ने मैसेज करा, तो उस भाई ने देखिए क्या पूछा है। उस भाई ने मोनेटाइजेशन से रिलेटेड बहुत बड़ी बात पूछी, जिसके बाद मैंने बोल दिया कि आपका चैनल जो है रिजेक्ट हो जाएगा। अब उनका चैनल रिजेक्ट क्यों होगा, चलिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। यहाँ पे फ्रेंड देख सकते हो, यहाँ पे एक भाई का जैसे कि मैसेज आया है, भाई आई एम ऑल्सो यूट्यूबर, कुछ बात करनी थी आपसे, प्लीज रिप्लाई। तो मैंने बोला हेलो। उन्होंने बोला कि भाई मेरे चैनल पर विजिट कीजिए, ठीक है। तो मैंने बोला लिंक सेंड करो, तो उन्होंने बोला भेजता हूँ, ठीक है। इसके बाद उन्होंने लिंक भेजा, फिर बोला देखो भाई। तो मैंने यहाँ पे लिख के भेजा, क्या चेक करना है, मतलब कि उन्होंने भेजा तो मैं यही पूछूंगा ना, क्या चेक करना। मैंने उनसे ही बोला, तो वो भाई बोलते हैं भाई इसमें व्यूज अच्छे आ रहे हैं, मोनेटाइज होगा या नहीं होगा। तो उन्होंने ये मेरे से पूछा, तो मैंने रिसेंटली में बोल दिया कि आपका चैनल भाई जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जबकि इनका खुद का कॉन्टेंट है, बट रिजेक्ट क्यों किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा इनके मन में सवाल था, तो मैंने उनका डाउट जो है यहाँ पे क्लियर कर दिया है। जो चैनल है वो यूट्यूब रिजेक्ट कर देगा जब भी मोनेटाइजेशन अप्लाई करने जाएंगे। अब रिजेक्ट क्यों करेंगे, ये आपको वीडियो में आगे पता लग जाएगा। नमस्कार दोस्तों, बाबा कानपुरी टेक में एक बार आपका फिर से स्वागत है, और मैं हूँ आपका भाई अभिषेक। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसे कि आपने शुरू में थोड़ा सा इंट्रो देखा कि एक भाई ने मेरे पास मैसेज किया है, कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस भाई ने लिंक भेजा और बोला है कि भाई मेरा चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं। तो मैंने ही चैनल देखते ही रिसेंटली बोल दिया कि भाई आपका चैनल जो है मोनेटाइज नहीं होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे बोल दिया है। अब यहाँ पे मोनेटाइज क्यों नहीं होगा, उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो इन भाई का मैं चैनल ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि इन भाई के चैनल पे दिक्कत, एक्चुअल में इन भाई के जो चैनल पे प्रॉब्लम है वो क्यों आ रही है, ठीक है। तो इन्होंने एक मुझे अपना चैनल का लिंक क्या वीडियो भेजा था, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए मैं सिंपल से अभी इनका जो है चैनल ओपन कर लेता हूँ, ठीक। सो फ्रेंड, ये देखिए, ये फ्रेंड चैनल है इनका बीटेक टेक्निकल भैया। जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे, आपको दिख रहा होगा बीटेक टेक्निकल भैया करके इनका चैनल है। अब इनके वीडियोस में जाते हैं, तो यहाँ पे वीडियोस में जाने के बाद में इनका आप देख सकते हो सबसे ओल्डेस्ट वीडियो इनका कब का पड़ा हुआ है, आप जैसा कि देख रहे हो 10 मंथ, ठीक है। 10 मंथ के इन्होंने 10 मंथ से वर्क कर रहे हैं, 9 मंथ इनकी, हालांकि वीडियो ज़्यादा नहीं पड़ी, 107 वीडियो ही इनकी पड़ी है, जिसमें कि इनके जो है शॉर्ट वीडियो भी, इनमें काफ़ी सारे शॉर्ट वीडियो इन्होंने डाल रखे हैं। तो चलिए, यहाँ पे बीटेक टेक्निकल भैया की क्या गलती है वो मैं आपको बता दूँ, ताकि आप ऐसी गलती ना करो कि आपका चैनल जो है डीमोनेटाइज हो जाए और आपको पता भी नहीं चले कि आपका चैनल किस वजह से हुआ है, ठीक है। तो आपको बता दूँ कि 90% जो चैनल है वो इसी कारण से रिमूव कर दिए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसी आप लोग गलती करते हो, आप लोगों को पूरी जानकारी नहीं होती है, ना ही आप लोग पूरा वीडियो देखते हो, तो ऐसी गलती जब आप कर देते हो तो इसको सुधारने के लिए जैसा कि मैं बता दूं आपको करना क्या है। देखिए यहाँ पे गलती क्या है, पहले तो वो मैं बता देता हूँ। तो इनके चैनल पे गलती ये है कि ये अपना तो पहले शुरुआत से तो अच्छा काम कर रहे थे, सारी की सारी मैंने देखा इनका कॉन्टेंट है, ठीक है। सारा का सारा इन्होंने अपना खुद का कॉन्टेंट इस पर अपलोड करके रखा हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है। और अच्छा खासा इन्होंने समझा रहे हैं, इनका जो है अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जरा हम पॉपुलर में इनके जाते हैं, तो पॉपुलर में इनका देखिए अभी इन्होंने जो वीडियो 10,000 तक पॉपुलर में गया, 5,000, 4,000 और 1,000, 2,000 इस तरीके से इनके व्यूज जा रहे हैं, ठीक है। और सब्सक्राइबर आप देख सकते हो 396 के करीब इनके सब्सक्राइबर हैं। बट यहां पे इन्होंने अभी एक बहुत बड़ी गलती कर दी, वो गलती क्या है, जैसे कि आप लेटेस्ट वीडियो में जाएंगे तो यहाँ पे आप पहला जो वीडियो यहाँ पे देख रहे हो ना, ये इनका खुद का कंटेंट है ही नहीं, इन्होंने दूसरे का ही वीडियो डाल उठा के डाल दिया है, जिसपे कि आप देख रहे हो 4,500 के ऊपर 4,700 लगभग में व्यूज आए हुए हैं। तो इन भैया ने ये जो वीडियो डाल दिया, तो जैसे ही मैंने इनका ये वीडियो देखा तो मैंने तुरंत ही रिसेंटली बोल दिया कि भैया आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज नहीं होने वाला है, ठीक है। और मोनेटाइज नहीं होने वाला है उसका रीज़न यही है कि इन्होंने जो है दूसरे का वीडियो जो है यहाँ पे सिंपल से डाल रखा है, तो इस वजह से इनका जो चैनल है वो मोनेटाइज नहीं होने वाला है। इन्होंने पहाड़ी व्लॉग करके किसी का जो व्लॉग चैनल से उठाकर इस पर अपलोड कर दिया है, जो कि यूट्यूब के गाइडलाइन के खिलाफ है, जो कि रील्स कंटेंट के अंदर में आ जाता है, या फिर आप ये जो यूज़र है ये आपको जो कि कॉपीराइट स्ट्राइक भी दे सकता है, जिसके लिए आपका चैनल जो है 14 डेज के लिए बंद भी किया जा सकता है, ऐसी गलती अगर आप करते हो। तो ये गलती आपको नहीं करनी, किसी दूसरे का कंटेंट चुराना हमारे यूट्यूब चैनल के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ये यूट्यूब की गाइडलाइन के खिलाफ है, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलती तो आपको बिल्कुल भी कतई नहीं करनी, अगर आपने ऐसा किया है तो अभी आप वीडियो को रिमूव कर सकते हो। और इसके साथ भी ऐसी काफ़ी सारी गलतियाँ हैं, अगर आप करके मोनेटाइजेशन अप्लाई करने जाते हो तो आपको वहाँ पर कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला है, ये मैं क्लियर बता रहा हूं। अगर आप अपनी मोनेटाइजेशन अप्लाई करोगे या उससे पहले आप जो कुछ गलतियां कर रहे हो वो अगर आपको सुधारनी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि सारा का कुछ मैंने बताया हुआ है कि आपको क्या गलती अपनी वीडियोस में अपने चैनल पर नहीं करनी है, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो आप जाके उसको वॉच कर लीजिएगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल में इनका चैनल इसीलिए
लिए मोनेटाइज नहीं होगा, मैंने इनसे बोला था ये वीडियो आप रिमूव कर दीजिए, हालांकि अभी तक इन्होंने नहीं किया है, बट इनकी मर्जी है करें या ना करें, बट ये मोनेटाइजेशन करने जाएंगे तो इनको वहाँ पे जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जैसा कि मैंने बताया, सो फ्रेंड यही इनके साथ में होने वाला है अगर ये इस वीडियो को जो है रिमूव नहीं करते हैं अपने चैनल से। सो फ्रेंड मेरा तो इतना ही कहना है कि अगर आप इस तरीके की कोई भी गलती करते हो तो आप बिल्कुल भी मत करिए, YouTube पे आप जेन्युइन तरीके से वर्क करिए। YouTube की गाइडलाइन इतनी ज़्यादा बड़ी है कि उसको समझ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी आपके मन में सवाल है तो आप डायरेक्टली मुझे कमेंट कर सकते हो, और जाके आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। टाइम मिलते ही जैसे इन भैया का मैंने रिप्लाई दिया, वैसे ही आपका भी टाइम मिलते ही मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो फ्रेंड अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी जो आने वाली न्यू वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं ऐसी न्यू जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, एंड जय हिंद।